माता रानी के हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने पहले ही मतलब शांत हो गई वो, तो विमान बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से, इसीलिए अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैं गई थी मंदिर आज, जैसे कि शिवरात्रि है, तो यहाँ पर देखिए तबीयत खराब है, तो मम्मी बना रही है खाना, क्योंकि मेरा और मम्मी का तो फास्ट है, तो हम तो खाना खाएंगे नहीं। तो बच्चे भाई साहब, तो भाई साहब के लिए मम्मी बना रही है यहाँ पर नमकीन चावल। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है, अभी कर रही है मम्मी यहाँ पर चावल वॉश, क्योंकि मुझे छींके आ रही थी लगातार, तो मेरा मुंह भी नीचे को नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मम्मी छोंक रही है चावल। क्या हुआ, क्या हुआ? आंखें मेरी बिल्कुल लाल है, कल ये वाली आंख बिल्कुल रेड हो रही थी, आज मेरी ये वाली हो रही है। क्या कर रहे हो बेटा? अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और टाइम हुआ है यहाँ पर 5:30। तो मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो मैंने बनाया था उसको कंटिन्यू किया है मैंने। तो तबीयत खराब थी, मैं उस टाइम पर बोल भी नहीं पा रही, और अब भी आप देख रहे होंगे मेरी आंखों से जुकाम की वजह से आंसू निकल रहे हैं। मुझे होता है किसी चीज का, होता है कि कहीं ना कहीं पे किसी का बालों पे असर पड़ता है, किसी का आंखों पे पड़ता है, किसी का कानों पे। मुझे असर पड़ता है आंखों पे, मेरी आंख भी बिल्कुल सूज चुकी है। तो मैंने मंदिर से आने की, मैं मंदिर गई थी तो वहां पर तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चा होता है कोई जो फोन पकड़ ले तो वो निकाल भी लेता है वीडियो क्लिप। तो मैं तो अजीब सी शर्म सी लगती है, क्योंकि मैं पूजा भी कर रही, तो वीडियो क्लिप कैसे निकालूं, इसलिए मैं वहां की नहीं निकाल पाई। तो कोई बात नहीं, तो मैंने आके साड़ी चेंज कर दी थी क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी, और साड़ी भी काफी हैवी थी, तो साड़ी मैं डेली में इतनी हैवी साड़ी नहीं वो कर सकती, जिससे कि फिर काम भी करना होता है घर का, तो इस वजह से हैवी साड़ी मैं नहीं वेयर कर सकती हूँ बिल्कुल भी। मैंने फोन को कर लिया है ट्राइपॉड पर सेट, क्योंकि पकड़े पकड़े हाथ भी दुखने लग गए हैं मेरे। तो इतनी हैवी साड़ी को डेली में नहीं पहना जाता है बिल्कुल, मुझसे तो पहना नहीं जाएगा, इसलिए मैं अपनी हल्की साड़ियां करती हूँ। पर मंदिर गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ा हैवी साड़ी पहन ली थी, और हैवी भी नहीं, मैं मुझे जैसे कि होता है कि मंदिर जाने के लिए कोई अच्छे अच्छे कलर होने चाहिए, पर मेरे पास ज्यादातर कलर ऐसे हैं कि पूजा में ब्लैक, ब्लू, ग्रे इस टाइप के कलर हैं, तो वो मैं नहीं पहन कर जाना चाहती थी पूजा में, इसीलिए तो फिर मैंने ये येलो वाली साड़ी निकाली थी। इस साड़ी का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, पर कलर की वजह से माई फेवरेट। पर जितनी प्यारी है उतनी थोड़ी इसमें कमी भी है, क्योंकि आपने देखा इसका बॉर्डर काफी बड़ा है, तो उसको फ्री पल्लू में रखें तो थोड़ा ठीक है, वरना ऐसे यहाँ पर हम एक साथ टक करते हैं, पिन लगाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि साइज टाइप की साड़ियों को पहनकर हम काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो बस इनको पहनकर बैठे रहो तो ठीक है। तो आज है शिवरात्रि, तो देखते हैं, सुबह तो हमने खा लिया था चुलाई के लड्डू और दही और चाय छाये, जिससे भी जिसको खाने थे, मम्मी को और मुझे खा लिए हैं। तो देखते हैं शाम को, हमारे यहाँ पर शाम को इसमें खाना नहीं खाया जाता है, चुलाई के लड्डू दूध वगैरह और आप चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन बस खाना नहीं खाएंगे, यानी कि अन्न अन्न नहीं खाते हैं हम लोग शुरू से ही, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी यही होता है। देखते हैं शाम को, देखना, मैं सोच रही हूँ शाम को कि मैं कुछ बना लूँ, मखाने वगैरह, गुड़ वाले जो मखाने होते हैं, मैं वो बना लूँ, अगर बनाए मैंने अभी तो फिलहाल मैंने सोचा है, और अगर बनाए तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।
अब विवान की तबीयत ठीक है, जो विवान को माता निकली हुई थी वो मतलब माता निकली भी नहीं थी, स्टार्टिंग थी। माता रानी के हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने पहले ही मतलब शांत हो गई वो। तो विवान बिल्कुल ठीक है, खाली उसको जुखाम और खांसी है, बुखार वगैरह उसका सब उतर चुका है। अब मुझे जुखाम बुखार खांसी ये हुए हैं और आज से मम्मी को भी हो रहे हैं, यानी कि हम सब बीमार पड़ चुके हैं। यहाँ पर हालत खराब है, मेरे को लगता है कि जुकाम से अच्छा तो बुखार भी है। जो खाली बुखार बुखार हो जाता है ना वो भी ठीक है, उसमें इंसान कम से कम दवाई लेकर देता तो रहे, आराम रहे उसको, पर जुकाम में हालत खराब हो जाती है। ये लोग काफी बड़ा हो चुका है, आ जाओ। तो देखिए मम्मी भी आ गई है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, सारे एक से हो रहे हैं सब मतलब। एक से हो चुके हैं। हेलो हाय। तो मम्मी की तबीयत खराब है, अब तक तो विवान था, विवान से मुझे हुआ है, मुझसे मम्मी को हुआ, और मम्मी से पता नहीं अब किसको होगा। दो बंदे बचे हुए घर में, पापा और भाई साहब, पता चलेगा अब उनको होगा या नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं कि ये जुखाम जो होता है मतलब ये उड़ी बीमारी है। नूर का लगता है। हाँ, क्योंकि हम खांसते भी हैं, छींकते भी हैं, कभी कभी ऐसा तो बिना कपड़े के भी छींक मारनी पड़ जाती है, हमारे हाथ किसी चीज में बिजी होते हैं तो इस वजह से। तो चलिए देखती हूँ मैं, अगर शाम के टाइम मैं मखाने वगैरह बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, वरना अदरवाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम्म।